तो वेलकम फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम क्लास 10th. सो ये क्लास 10th का चैप्टर 10 का 10.2 क्वेश्चन, जिसका सॉल्यूशन मैं लिख रही हूँ. सबसे पहली बात तो हम पहले इस पूरी साइड को ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं. तो ए इक्वल टू में ए एक्स प्लस हम लिख सकते हैं 8, b इक्वल टू हम लिख सकते हैं 6 प्लस 8 और c इक्वल टू हम लिख सकते हैं x प्लस 6. यहाँ पर ये भारी पॉइंट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर इनकी लेंथ दे रखी है. अगर भारी पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ होता है जो कि सर्कल को टच करता है तो उनकी लेंथ सेम होती है. इस वजह से ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है और ये भी x है और ये भी x है. सो ये हमारी साइड्स हो गई. अब हमें पहले इस पूरे एरिया का, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना है. तो बाय हेरोंस फॉर्मूला हम एरिया निकाल सकते हैं. पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं. अपॉन, अच्छा इसमें से हम टू कॉमन ले सकते हैं. तो इसका आंसर आ सकता है हमारा जो सेमी पेरीमीटर है वो हमारा निकल के आ सकता है 14 प्लस में x. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहे हैं बाय हेरोंस फॉर्मूला. तो हमारा रूल ये होता है कि अंडर रूट s s s माइनस a s माइनस b s माइनस c. तो हमें वैल्यूज दे रखी है, वैल्यूज पुट करनी है सिर्फ फॉर्मूले में. यहाँ पर पहले तो a की वैल्यू ये रही और x की वैल्यू ये रही. एक वापस से x की वैल्यू 14 प्लस x है, माइनस में यहाँ पर b की वैल्यू हमें दे रखी है 14, 6 प्लस 8 14 होता है इस वजह से. और यहाँ पर वापस से x की वैल्यू 14 प्लस x और c की वैल्यू जो दे रखी है हमें दे रखी है माइनस में 6 प्लस x. अब अगर ब्रैकेट खुलता है तो ये साइन चेंज हो जाते हैं. अगर साइन चेंज होंगे तो माइनस का x और माइनस का 8 हो जाएगा अंडर रूट 14 प्लस x, 14 प्लस x माइनस x माइनस 8, 14 प्लस x माइनस 14, 14 प्लस x माइनस 6 माइनस x. अब 14 प्लस x को 14 प्लस x लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो सकता. यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, 14 से 8 माइनस हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 6. यहाँ पर 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ x. यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, 14 से 6 माइनस होगा, बचेगा 8. अब इन तीनों को प्लस कर देंगे, 14 प्लस x 48x. ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई. अब दूसरा आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं? पहले तो हम लाइनों को ज्वाइन कर लेते हैं. ट्राइंगल ए ओ पॉइंट है, ए ओ बी, बी ओ सी और ए ओ सी, तीनों का एरिया अगर हम प्लस करते तो पूरे ट्रायंगल का एरिया आ सकता है. तो यहाँ पे बस वही बात लिखनी है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी
प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी इतना सारा प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी। तो अब इन जगह पे लिख सकते हैं कि हाफ बेस इनटू हाइट की फॉर्मूले से कर सकते हैं। यहाँ पर इनकी हाइट 4 सेंटीमीटर जो है क्योंकि रेडियस है, यहाँ पर इनकी हाइट 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। तो हाफ बेस इनटू हाइट प्लस में हाफ बेस इनटू हाइट प्लस में हाफ बेस इनटू हाइट। अगर हम ट्रायंगल एओबी पे आते हैं, एओबी पे इसका बेस हमारा x plus 8 हो जाएगा और x plus 8 हमारा a के इक्वल है, तो हमें वहां पर सिर्फ a पुट करना है। हाफ a इक्वल टू में h हमारे लिए 4 था क्योंकि रेडियस है 4 प्लस में हाफ, यहाँ पे ट्राइंगल BOC की बात हो रही है, BOC में जो हमारा बेस है वो 6 plus 8 है, 6 plus 8 हमारा b के इक्वल टू है तो b लिख देंगे यहाँ पे, और h जो है वो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है जैसे कि है। हाफ यहाँ पर ए और सी में जो हमारा बेस है वो एक्स प्लस सिक्स है, हमने पहले एक्स प्लस सी सी के इक्वल टू कर रखा है तो यहाँ पर सी लिख देंगे, एच जो है हमारा 4 सेंटीमीटर है ये इंटू में 4, ये 2 से 4 कट जाएगा यहाँ भी और यहाँ भी, तो 2a प्लस में 2b प्लस में 2c। अब क्या होगा, यहाँ पे पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले पे आते हैं, अगर हमने सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारा a प्लस बी प्लस सी होता था अपॉन 2, यहाँ से हम a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 को मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, 2s इक्वल टू में a प्लस बी प्लस सी, मतलब a प्लस बी प्लस सी की जगह पर हम पुट कर सकते हैं 2s, तो यही पर 2 इक्वल टू में 2s, और s की वैल्यू में पता दे रखी है 14 प्लस एक्स जो हमने पहले निकाल रखी थी, तो 4 और ब्रैकेट में 14 प्लस में एक्स, ये हमारी आगे सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर पहली इक्वेशन हमारी ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही, दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखना है, तो फ्रॉम रखो अच्छा जिसको उतारना है उतार सकता है, वीडियो पॉज करके। तो पहली इक्वेशन मेरी ये रही, दूसरी ये रही, यहाँ पे आ जाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन तो 14 प्लस में x प्लस में x और 48x अंडर रूट में इक्वल टू में, दूसरी इक्वेशन हम निकाली थी 4 और ये आ जाएगा 14 प्लस एक्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा कि 14 प्लस एक्स 48x इक्वल टू में ये स्क्वायर, यहाँ पे रूट यहाँ का भी स्क्वायर होगा, तो अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा हमारा, और 14 प्लस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 14 प्लस एक्स ही आएगा, 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब 14 प्लस एक्स यहाँ पर है और ये दोनों मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, तो यहाँ से इसका स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ एक 14 प्लस एक्स बचेगा, 16 है तो 48x अपॉन 16 क्योंकि मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड में आ जाएगा, इससे एक स्क्वायर कट गया तो 14 प्लस एक्स तो बच ही जाएगा, 16 से गया 3 बार पे 3x इक्वल टू में 14 प्लस एक्स, तो x की साइड x वाली वैल्यूज एक साइड रख लेंगे, 14 एक साइड रख लेंगे, 3x माइनस एक्स अपॉन 14, 2x इक्वल टू 14 और x की वैल्यू आ गई हमारी 7। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि ए बी साइड निकालनी है आपको ए सी साइड निकालनी है, तो उसके लिए ए बी की हमने फॉर्म रखी थी x प्लस 8, तो x की वैल्यू 7 आ रखी है, तो 7 प्लस में 8,
15 सेंटीमीटर और एसी की वैल्यू है 6 प्लस एक्स, तो मतलब 6 प्लस 7 13 सेंटीमीटर आंसर।